जीवन जल के बुलबुले की भांति है, कब समाप्त हो जाए किसी को ख्यात नहीं। अतः जब तक जीवन है प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने आने वाला क्षण हम सब के लिए क्या लेकर आने वाला है। आपकी बातें सत्य हो सकती हैं, लेकिन मुझे तो कभी हंसी नहीं आती, फिर मैं कैसे हंसूं? इसी बात पर हम आप सबको एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार गुरुकुल में गुरुजी ने हमसे कहा, यदि तुम्हारे समक्ष धन और बुद्धि दोनों हो तो तुम किसे चुनोगे? हमने कहा धन को चुनेंगे। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, यदि हम तुम्हारे स्थान पर होते तो धन नहीं बुद्धि को चुनते। हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी मनुष्य उसी को चुनता है जो उसके पास ना हो। सच में कितने हसमुख और कितने उदार मनुष्य हैं आप। कोई मूर्ख ही होगा जो आप जैसे विद्वान और सदाचारी व्यक्ति को बंदी बनाएगा। हम आप सबसे एक निवेदन करते हैं, कृपया करके महामात्य कैकाला जी के विषय में कुछ भी गलत वाक्य का प्रयोग ना करें। आप लोगों को ज्ञात नहीं है, वो हमारे पिता हैं और हम उनके पुत्र। हम उनके विषय में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। फिर स्वांग रच रहे हो इन सभी मूर्खों के सम्मुख, हमारा सम्मान करते हो, हमारा अपमान सहन नहीं कर सकते। तुम अपने 13वें जन्मदिन पर तुमने क्या किया था हम आज भी भूले नहीं हैं। हम भी नहीं भूले हैं पिताश्री। भूलना भी मत। कैसे मनुष्य हो, पुत्र होते हुए अपने पिता के प्राणों के प्यासे हो, इसी कारण हमने तुम्हें यहाँ बंदी बना कर रखा है। और आप कैसे मनुष्य हैं, जिस राज्य के महामात्य हैं उसी राज्य की सत्ता प्राप्ति के स्वप्न देखते हैं। आपके विषय में सबसे पूछते हैं, सब आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, किंतु किसी को क्या ज्ञात है कि आप महाराज के मित्र नहीं अपितु शत्रु हैं। किंतु हमें ज्ञात है कि आप सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, पर उसके लिए आप महाराज के प्राण लेने से भी नहीं चुकेंगे। और हमें यह भी ज्ञात है कि इस समय महाराज के प्राण संकट में हैं। इसे हमारी योजना के विषय में कैसे ज्ञात हुआ? बस बहुत बोल चुके तुम और बहुत सुन चुके हम, बंद करो अपनी व्यर्थ की बातें। ना तो हम सत्ता के लोभी हैं और ना महाराज के प्राणों के प्यासे। समझे कि नहीं समझे? उनके माथे पर चिंता की रेखाएं तो यही बता रही हैं कि महाराज के प्राण सच में संकट में। महाराज को सर्प से डसवाने की योजना अवश्य ही कैकाला की थी। अब पता लगाना होगा कि उसका अगला दाव क्या है। तनिक भी हिले डुले तो ये कतार तुम्हारे आर पार हो जाएगी। सत्य कहो कि यहाँ क्या करने आए थे? बकरी हो क्या? मैं किए जा रहे हो? हाँ, नहीं, वो तो मैं से मिलने आया था। उन्हें पुकारा भी किंतु कोई उत्तर नहीं मिला, तो भीतर देखने आ गया कि वो है या नहीं। क्षमा कर दीजिए, पुनः ऐसी भूल नहीं होगी।
वो तेरी ही तो तुम हो। हाँ हम हैं। वैसे हमारे पिताश्री के कक्ष में ताकचाक करने आए हो। एक काम करता हूँ, इसे कुछ पता करने का प्रयत्न करता हूँ कि कैकाला कहाँ है। अम्रपाली, मुझे तुम्हारे पिताश्री से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए उनसे भेंट करना अति आवश्यक है। कहाँ है वो? ज्ञात नहीं। अच्छा, ये तो ज्ञात होगा कि प्रत्येक रात्रि वो कहाँ जाते हैं। हमारे पिताश्री कहते हैं कि वो राज्य के सेवक हैं। अब सेवक के लिए रात्रि क्या और दिवस क्या, तो अवश्य ही वो राज्य और प्रजा की सेवा करने जाते होंगे। अब इस बेचारी को क्या ज्ञात कि जिस पिताजी को ये देवता समझती है वो राक्षस है, जिसे देश प्रेमी समझती है वो देश द्रोही है। भास्कर, किन विचारों में खो गए? कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि हमारे पिताश्री कितने महान हैं। हाँ, वो तो है। एक और मनुष्य है जो महान है, नेक है, सच्चा है, बिल्कुल तुम्हारी भांति, जिससे हमारा विवाह होगा। हाँ, यही बात मुझे समझ में नहीं आती, ये मामला क्या है? जिसे तुम्हारा विवाह होगा, तुम भोजन उसके लिए बनाती हो किंतु चखाती मुझे हो। वो नेक है, महान है, अच्छा है, किंतु उपमा मेरी देती हो, क्यों? अरे हम क्या करें, हमारे जो होने वाले पति है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही तो है। वो तेरी मेरी तरह है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ना उससे भेंट करनी है जो मेरी तरह है, जिससे तुम्हारा विवाह होगा और जिससे तुम प्रेम करती हो। बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत आकर्षक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब तो उससे भेंट करनी ही होगी। देखो, और प्रतीक्षा नहीं होती, शीघ्र अति शीघ्र तुम मेरी भेंट उससे करवा देना, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, अब तुमसे ही तुम्हारी भेंट कैसे करवाए हम, बुद्धू कहीं का। कैसी हो चारुलता? अभी तक तो ठीक हूँ, किंतु आगे का कुछ नहीं कह सकती। हर क्षण मुझे स्वयं को मूर्ख सिद्ध करना पड़ रहा है। भय है कि कहीं पंडित रामकृष्ण को संदेह न हो जाए। आप तो जानती ही हैं ना उन्हें। मैं जानती हूँ, और मैं कैकाला को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। किंतु जब तक महाराज के समक्ष कैकाला का असली रूप नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें पंडित रामकृष्णा के निवास में ही रहना होगा, और अप्रत्यक्ष रूप से वो सारी जानकारी पंडित रामकृष्णा को देनी होगी, जिससे कि कैकाला का अंत हो जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने शारदा को नकली स्वर्ण के बारे में जानकारी दी थी। आपके गहनों की आप चिंता छोड़ दीजिए, आपके नकली गहने कोई भी नहीं चुराएगा। नकली? एक प्रश्न उठ रहा है मेरे अंतर्मन में, आप स्वयं ही पंडित रामकृष्ण से कैकाला के विषय में सब सच क्यों नहीं बता देती? क्योंकि वो पंडित रामकृष्ण है। पंडित रामकृष्ण, यदि हमने उनसे कैकाला के विषय में बात की तो उन्हें क्षण भर में ज्ञात हो जाएगा कि हम भी उनके सहभागी हैं। सबसे पहले हमें कैकाला का अंत करना होगा, उसके पश्चात हमें पंडित रामकृष्ण का भी अंत करना होगा। स्मरण रहे, पंडित रामकृष्ण भी हमारे शत्रु है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। एक बहुत बड़ा खेल खेलना होगा, ऐसा खेल जिसके पश्चात कैकाला का अंत निश्चित है।
क्या? हम उसके सम्मुख अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। किसी भी युवक के हृदय तक जाने का मार्ग उसके पेट से होकर गुजरता है। बस तुम स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाओ और उस युवक को खिलाओ, उसका हृदय तुम अवश्य जीत लोगी। भास्कर, ये तुम्हारी प्रिय सब्जी है और हमने इसे विशेष रूप से बनाया है। हमारे जो होने वाले पति हैं, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही तो है। तेरी, यदि सचमुच में आम्रपाली मुझे जीवन साथी बनाने का विचार कर रही है, वो कैकाला मेरा प्राण ले लेगा। क्या हुआ, कब से देख रही हूँ, किसी सोच में खोया हुआ है? नहीं शादा माँ, कुछ नहीं। अरे वो गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा सब कहाँ है? चारुलता, कहाँ है तू? ये रही, मैंने भोजन के साथ कंदमूल देने को कहा था, कहाँ है वो? वो भी ये रहे। ये लो। ऐसे बिना काटे? किंतु माँ जी, आपने तो मुझसे कहा ही नहीं था कि इन्हें काट कर लाना। आपने कहा था कि भोजन के साथ ले आना, तो मैं ले आई। वाह, इसे ऐसे कैसे ग्रहण करेंगे? जा शीघ्रता से काट के ला इसे। शीघ्रता से? हाँ। अब देखिए मैं कितनी शीघ्रता से इसे काटती हूँ। ये लीजिए। इतनी शीघ्रता से कैसे काटा? इस कटार से। कितनी धारदार है ये, देखिए। विजयनगर का राज चिन्ह, ये कटार तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? ये तो विजयनगर के सैनिकों के पास होती है, जनसाधारण के पास नहीं। वो तो मुझे ज्ञात है, किंतु मुझे ना ये पुराने मंदिर के समीप गिरी हुई मिली, तो मैंने इसे उठा लिया। गिरी हुई? हाँ, वहाँ ना कुछ लोग विशाल संदूक लेके जा रहे थे, उनमें से एक संदूक से ये गिर गई, तो मैंने इसे उठा लिया। कितनी धारदार है ना। इसका अर्थ तो ये हुआ कि विजयनगर की राजमोहर लगे हुए अस्त्र संदूक में भरकर पुराने मंदिर की ओर ले जाया गया है, अर्थात विजयनगर के शस्त्रागार से वो शस्त्र लाए गए हैं। ये अवश्य कैकाला का ही कार्य है, यही उचित अवसर है कैकाला का असली रूप सबके समक्ष लाने का। जैसा आपका ने कहा था वैसा मैंने कर दिया, अब तो कैकाला फंस कर रहेगा। किंतु उसका असली रूप सबके समक्ष लाऊं कैसे? कुछ तो युक्ति लगानी होगी, किंतु क्या? उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम सतम पिता सहस्त्रम तु पितृण माता कौरवेना त्रिच्यते। अर्थात एक गुरु 10 सहगुरु से बड़ा होता है, एक पिता 100 गुरु से बड़ा होता है, और एक माँ सहस्त्र पिता से बड़ी होती है। माँ, क्या हुआ आपको पर्लयंकर जी? माँ की स्मृति ने नेत्रों में अश्रु भर दिए। आज हमारी माँ की बरसी, हमारा बड़ा मन था कि हम अपनी मां की बरसी पर 10 ब्राह्मणों को अपने हाथों से भोजन करवाएंगे, किंतु ये बेड़ियां। सुनो, एक अनुरोध है तुमसे, यदि तुम कुछ समय के लिए हमें यहां से मुक्त कर दो तो हम अपनी माता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर पुनः वापस आ जाएंगे। किंतु विश्वास करो हमारा, हम तुम्हारा विश्वास खंडित नहीं होने देंगे, बस कुछ समय की बात है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो महामाती जी मेरे प्राण ले लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी माता का उपचार एक अच्छे वैद्य से कराया जाए तो उनके प्राणों की रक्षा हो सकती है। आपको मेरे माता के विषय में कैसे ज्ञात हुआ? यह मैं पूछू,
बस इतना समझो कि यदि हम अपनी माता की बरसी के लिए यहाँ से मार गए तो वापस आते समय तुम्हारी माता को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर आएंगे, जिससे उनका उपचार भली भांति हो सके। आखिर तुम्हारी माता भी हमारी माता जैसी ही तो है, विश्वास करो हमारा, हम छल नहीं करेंगे। भी प्रयत्न कर ले तो किंतु यहां से बचकर नहीं निकल पाएगा। और भी कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, हम यहां से बाहर निकल कर दिखा देंगे। और जिस दिन हम यहां से बाहर निकले, सर्वप्रथम उस व्यक्ति के प्राण लेंगे जो विजयनगर का शत्रु है, जिसने यहां के लोगों पर सदैव अत्याचार किया है। तू नहीं सुधरेगा। हमने सोचा था एक बार सुधर जाएगा तो फिर अपने साथ रखेंगे, किंतु हमारी भूल थी। तू तो और भी खतरनाक सिद्ध हो रहा है। प्रजा का अहित करने वाले का संहार करने वाला खतरनाक हो गया। आप क्यों सबके सामने यह सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं कि हम बुरे हैं, जबकि बुरे इंसान आप हैं, जिसने नामात्र अपने पुत्र के साथ अपितु सबके साथ बुरा किया है। और बुराई को मिटाना संसार की सबसे बड़ी अच्छाई है। हमें मिटाने की आकांक्षा रखने वाले स्वयं मिट जाएंगे, समझे कि नहीं समझे। और तुम इसकी बातों में आकर यदि इसे मुक्त करने के विषय में सोचा भी तो तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देंगे हम। ऐसी कौन सी युक्ति लगाई जाए कि उस गोदाम में सैनिकों समेत धावा बोलने की अनुमति महाराज से प्राप्त हो जाए और तत्पश्चात कैकाला का सत्य उजागर हो जाए। ये देख क्या हो गया, चाकू इतना धारहीन है कि कटहल काट रही थी, कटहल तो कटा नहीं तो ये चाकू ही टूट गया। महाराज, आज से 2 दिवस पूर्व श्यामू के घर पर जो चोरी हुई थी उसके आरोपी का पता चल गया है। कौन है आरोपी? महाराज, आरोपी आपके समक्ष उपस्थित है, ये पहरेदार। देखा आपने महाराज, ये पंडित रामकृष्ण बेचारे पहरेदार पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, पहरेदार जो होता है वो चोर को पकड़ने के लिए होता है। हाँ। आपका कथन सत्य है कि पहरेदार चोरों को पकड़ने के लिए ही होता है, किंतु इस पहरेदार ने मुझे स्वयं बताया है, इसने उस चोर को श्यामू के घर में प्रवेश करते हुए देखा, उसे पकड़ने का प्रयत्न भी किया किंतु पकड़ने में असफल रहा। क्यों? किंतु इससे ये कैसे सिद्ध हो गया पंडित रामकृष्ण जी की अपराधी ये है, बताइए जी। महाराज, रामा जी को पूर्ण विषय ज्ञात नहीं है। महाराज, मैंने चोर को देखा, उसे रोका, उसे अपनी कटार दिखाकर सावधान भी किया, किंतु महाराज वो तो हंसते हुए चला गया, जैसे कि उसे पहले से ही ज्ञात हो कि मैं उसे अपनी कटार से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अर्थात महाराज, जब मैंने अपनी कटार फेंककर उस पर वार किया तो उसे कोई चोट ही नहीं आई और महाराज वो चोरी करके चला गया। अरे रे, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, जबकि मैंने नई कटार खरीदी थी और बेचने वाले आदमी ने मुझसे कहा था कि यह अति धारयुक्त कटार है, महाराज ये तो धारहीन निकली,
ओहो, तब तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है महाराज। दोषी तो वो विक्रेता है जिसने इसे वो धारहीन कटार बेची। मैं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी तक तो आप इसको दोषी बता रहे थे और अब आप कह रहे हैं कि वो दोषी विक्रेता है। महाराज, राज दरबार में और भी कई महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, सुन रहे हैं पंडित रामकृष्ण जी? आते जी, आप शांत रहिए। पहले ये वाला मामला निपटाया जाएगा, उसके बाद हम अगले मामले पे आएंगे। बोलिए पंडित रामकृष्ण जी, आप क्या कह रहे थे? जी महाराज, महाराज ये अति महत्वपूर्ण विषय है और विषय मात्र एक धारहीन कटार का नहीं है। महाराज जरा सोचिए, हमारी संपूर्ण सेना को यदि धारहीन शस्त्र मिल जाए तो शत्रु कभी भी विजयनगर पर आक्रमण कर सकता है और ऐसे में हमारे सैनिक और शस्त्र कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये हमारे सैनिक और धारहीन शस्त्रों की बात कहां से आ गई? अमित, यदि एक सैनिक को धारहीन शस्त्र प्राप्त हो सकता है तो पूरी सेना को क्यों नहीं? महाराज हमें शीघ्र अतिशीघ्र उस व्यक्ति का पता लगाना चाहिए जिसने इसे वो धारहीन कटार बेची। तो बताओ कहां से खरीदी वो कटार? महाराज, मैंने एक कटार उस पुराने मंदिर के पास एक गोदाम है वहां पर एक आदमी था उस आदमी से खरीदी थी। और महाराज वो अवश्य अपने सारे धारहीन और नकली हथियार उस गोदाम में रखता होगा। इस बार पंडित रामकृष्णा तुमने बहुत बड़ा दांव खेला है, लेकिन अब हमारी बारी है। ऐसा डसेंगे कि पानी तक नहीं मांग पाओगे।